नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे। बीते दिन आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को गलत ठहरा दिया जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे अवैध करार देने की गुजारिश की थी हाईकोर्ट से। अब आम आदमी पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दिन भर दिल्ली में बवाल होता रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर निकली और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन नैतिकता के हवाले से उठता हुआ वो बड़ा सवाल कि जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वक्त अन्ना आंदोलन के साथ अपने राजनीति में कदम रखा था, उसके बाद जिस शख्स ने भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर तमाम पार्टियों के राजनेताओं को कटघरे में खड़ा किया था, आज जब हाईकोर्ट ऐसी बातें कहता है कि वो संलिप्त पाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, न सिर्फ उसके उगाही के मामले में पैसे का इस्तेमाल बल्कि उसके छुपाने में भी संलिप्त पाए जा रहे हैं, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में इस्तीफा देना चाहिए? आज इस बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी का मोर्चा संभालेंगे, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दी जा रही है और दिल्ली के सीएम से इस्तीफे की मांग हो रही है। जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया, उनकी सियासी साजिश वाले आरोपों को खारिज कर दिया, तो बीजेपी ने मोर्चाबंदी तेज कर दी और पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। बवाल बढ़ा तो पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। आपके इस घोटाले में भूमिका है, चोरी की गई है, कमीशन खाई गई है, गोवा में पैसा दिया गया है, उसके बावजूद ये निर्लज मुख्यमंत्री, ये निर्लज आम आदमी पार्टी अभी तक कुर्सी पे बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के साइड इफेक्ट दिखने लगे। दिल्ली के मंत्री राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जोड़ा। यही है राजकुमार आनंद, जिनके 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था, 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको, यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि यह भ्रष्ट है भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं ये पूरी दुनिया देख ले। बहरहाल जिस दिन से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जेल से चलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश ही बता रही है। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का जाने के लिए, परंतु जो हाईकोर्ट ने जो कहा उसके बाद कोई भी गैरतमंद इंसान होता तो तुरंत इस्तीफा देते। जो हाईकोर्ट ने कहा कि जो ईडी ने सबूत पेश किए हैं वो काफी हैं उनको रिमांड में रखने के लिए, उसके बाद कोई कारण नहीं बचता था कि इनको अपने पद पे बने रहने का, परंतु ये बेशर्म है। इस बीच केजरीवाल को एक और बड़ा झटका उस वक्त लगा जब अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांग की गई थी। शायद केजरीवाल वकीलों के जरिए विधायकों को ज्यादा संदेश भेजना चाहते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल ने वो और अपने विधायकों को संदेश भी वकील के जरिए भेजा था
जिसको लेकर विवाद हुआ था। दीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण, लोगों को तकलीफें देने के कारण, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के कारण, शराब घोटाला करने के कारण आज वो जेल में है। मेरा पूरा विश्वास है कि दोषी को सजा मिलेगी। सियासत तेज है, आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। दिल्ली की सरकार को भी झटके की शुरुआत हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या नहीं। आज तक के तमाम खास मेहमान हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जुड़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस बुलेटिन में। सुधांशु जी, आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कह रही है इस्तीफा दो। वो कहते हैं आपने साजिशन ये सब कुछ किया, हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अब मामला तो फंस के रह जाएगा दिल्ली की जनता के लिए। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं क्यों? और अगर कुछ करना है तो एलजी साहब करें ना, जैसा उन्होंने पहले इशारा किया था कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। जेल से तो सरकार चल रही है अंजना जी। प्रदर्शन करने पे सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो प्रदर्शन करके ही आए थे और ये कहते हुए आए थे 12 साल पहले कि हम तो राजनीति में नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो राजनीति में नई राजनीति करने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि अगर भारत की राजनीति में 10 वर्षों के अंदर इतना बड़ा पराभव किसी पार्टी के मूल्यों में देखने को मिला है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को भी डिटोरिएट होते होते लंबा समय लगा था, 2-3 पीढ़ियां लगी थी। सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादियों को एक समय लगा। इवन जो बड़े बड़े आइडियोलॉजिकल मूवमेंट कहे जाते थे, बसपा हो डीएमके हो, समय लगा, परंतु इनका कितना तेज पराभव हुआ। आज सवाल ये नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, सवाल यह कि इन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या वादा किया था और आज क्या कर रहे हैं। पहले ये कहते थे जब तक हम निर्दोष ना हो जाए, अब हाई कोर्ट ने तो कह दिया, अब इसके बाद क्या होगा। और मैं अंजना जी इससे बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये आज वो लोग कहां गए, एक बड़ी एक स्ट्रक्चर्ड लॉबी होती थी इंटेलेक्चुअल्स की, जो कोई भी केस दर्ज हो जाए किसी के विरुद्ध तो वो तुरंत कहते थे कि साहब अगर ये पद पे रहेंगे तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। आज कोई उसमें से सवाल ही नहीं उठा रहा है। जो लोग कहते थे दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर हो जाना चाहिए, पिछले 20-25 सालों में हमने ऐसे तमाम उदाहरण देखे, वो सब आज मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। ना किसी को कोई मूल्य नजर आ रहे हैं, ना किसी को कोई टेक्निकलिटी नजर आ रही कि कुर्सी पर रहते हुए कोई जांच को प्रभावित कर सकता है। उल्टे वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जेल से चल रहा है तो मॉरल सवाल नहीं टेक्निकल सवाल है। तो टेक्निकल सवाल का मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं कई बार, क्योंकि जब विधानसभा लगातार सत्र में है, जैसे संसद सत्र में होती है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं लाता है, तो पहली जो लाइबिलिटी है वो स्पीकर के ऊपर है। मगर मुझे लगता है शायद आम आदमी पार्टी के मन में अभी अपनी फजीहत कराने की कुछ हसरतें बाकी रह गई हैं, इसलिए मुझे लगता है उनकी हसरतें थोड़ी पूरी हो जाएं कि वो कितनी और फजीहत अपनी करा सकते हैं जनता की नजर में। उसके बाद जो भी होगा संविधान सम्मत निर्णय किया जाएगा, पहले उनकी फजीहत की सियासत की हसरत पूरी होने दी जाए। एलजी साहब पर आपने कुछ नहीं बोला, वो तो दिल्ली की जनता से कह रहे थे कि जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। मैंने तो बोला, अब जब से जेल से वो चला रहे कुछ नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा, मैं देखिए एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। हाँ। मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, दिल्ली की विधानसभा पूरे देश की इकलौती विधानसभा है जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता, साइन डाई होती नहीं। सो टेक्निकली विधानसभा इज परपेचुअल इन सेशन, और मजे की बात यह बैठती साल में एक ही बार है, कभी केवल बजट पास करने के लिए या फिर केजरीवाल जी को तमाम अनाप शनाप किसी के बारे में बोलना होता तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। जैसे मैंने पुनः कहा, जब संसद सत्र में चल रही होती है तो राष्ट्रपति कोई आदेश नहीं देता, तब जो आदेश आएगा थ्रू संसद आएगा। जैसे विधानसभाएं चल रही होती हैं तो राज्यपाल विधानसभा सत्र के दौरान नहीं देता, तो जवाब दे आम आदमी पार्टी कि सत्रावसान हुआ है क्या? सत्रावसान हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन कहां है? अगर सत्रावसान नहीं हुआ है तो जवाब स्पीकर से पूछा जाना चाहिए, एलजी से नहीं। प्रियंका जी, अब आपके पास आते हुए सवाल देखिए बहुत गहरा है।
मुझे पता है आपकी पार्टी का स्टैंड है, आप लोग सब उसको डिफेंड करते हैं कि जेल से चलाएंगे सरकार, साजिश है, लेकिन कब तक ये मजाक कब तक चलेगा? सुनिए सवाल क्या है। सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन में मेरिट देखा, ईडी ने जो एक्शन लिया है उसमें मेरिट देखा, तभी तो जब आप लोग कह रहे थे कि ये कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, तो उन्होंने कहा नहीं अवैध नहीं है और तमाम बातें उसके पक्ष में कही। न सिर्फ उनकी भूमिका बतौर मुख्यमंत्री बल्कि इस पूरे घोटाले के पैसे का इस्तेमाल उसको छिपाने में उन्हें संलिप्त पाया। ऐसी बातें पाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे? मतलब अन्ना के सिपाही, करप्शन क्रूसेडर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो कहते थे कि पद छोड़ना चाहिए वरना पद से प्रभावित करेंगे, उनको आज पद से इतना प्यार हो गया है कि पूरी दिल्ली को दांव पर लगा रहे हैं। प्रियंका जी, अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो 49 डे की सरकार बनी थी तो उसके बाद भी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये कहना गलत होगा कि उनको कुर्सी से किसी भी तरह का मोह है। उन्होंने लगातार दिल्ली की जनता को जन कल्याण सेवाएं दी हैं और एक मुनाफे का बजट पेश किया है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आज इस्तीफा कौन मांग रहा है? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, ब्रिजभूषण जनता पार्टी, इन्होंने आपने देखा कभी इस्तीफा मांगा हो सीएम बीरेंद्र सिंह का, जो बार बार कह रहे थे कि मणिपुर में मशीनरी फेल हो चुकी है, या इस्तीफा मांगा हो अजय मिश्र टेनी का, जिनके बेटे ने चार हमारे अन्नदाता के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी हो, या इन्होंने इस्तीफा मांगा हो व्यापम स्कैम, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, आदर्श स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स ही अपनी पार्टी में ले आई है ब्रिजभूषण जनता पार्टी, और ये नैतिकता का पाठ हमें ना पढ़ाए, पहली चीज। दूसरी चीज अंजना जी, आप देखिए ये हो क्या रहा है। ये दिल्ली में लगातार हमसे चुनाव हार जाते हैं, ये जहां भी हमारे अगेंस्ट लड़ते हैं भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल से हार जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये ऑपरेशन लोटस ट्राई करते हैं, इनका ऑपरेशन लोटस हर जगह सक्सेसफुल हो जाता है, कितनी जगह सक्सेसफुल हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कितनी जगह हमने देखा सक्सेसफुल हुआ, गोवा, पर दिल्ली में आके इनका ऑपरेशन लोटस भी फेल हो जाता है, चुनाव ये हार जाते हैं, एलजी इनके हमारी फाइलों पे बैठते हैं, रोकते हैं हमारा काम, हम फिर भी इनके काम, हम अपने काम रोकते रहते हैं, चाहे दिल्ली में फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री शिक्षा हो, हमने सारे काम किए, फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, लगातार हम काम करते गए इतनी बाधाओं के बाद भी। तो इन्होंने एक महाषड्यंत्र रचा, मैं हाईकोर्ट की बात पे भी आऊंगी, इन्होंने एक महाषड्यंत्र रचा जिस षड्यंत्र के अंदर इन्होंने भाजपा दफ्तर में एक कहानी गढ़ी। पहले इन्होंने कानूनों में संशोधन कर दिए, संशोधन कैसे, आज अरविंद केजरीवाल जी बिना एफआईआर, बिना ट्रायल, बिना किसी चवन्नी की रिकवरी के सबूत के, बिना चवन्नी की रिकवरी के इन्होंने आकाश से लेकर पाताल तक रेडे की हमारे नेताओं के यहाँ, पर चवन्नी कहीं नहीं मिली। उसके बाद दो बयानबाजी के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है। अब ये इसमें अगर ये किसी पे झूठी तोहमत लगा देंगे तो इनके प्रेशर में थोड़ी आएंगे। इन्होंने आज जो हाईकोर्ट की बात आपने उठाई, तो हाईकोर्ट ने लास्ट पैराग्राफ में लिखा कि मैं मेरिट्स पे कमेंट नहीं कर रही, और अगर आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें बीच में लिखा हुआ है कि जो इनके दो सरकारी गवाह हैं, एक मंगुट्टा रेड्डी जो भाजपा के टिकट से आंध्र प्रदेश में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और एक शरत रेड्डी जिसने 10 बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, फिर इनफैक्ट वो कोर्ट भी गया था 19 जनवरी 2023 को, वो कोर्ट गया, उसने कोर्ट में कहा कि उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले, उसके साथ मारपीट हो रही है, पर क्योंकि उसके ऊपर पीएमएलए लग गया था तो उसकी बेल नहीं हो पाई, और उसने फिर सरकारी गवाह बन के भाजपा को 60 करोड़ दिए, ईडी की चुप्पी खरीदी, तब जाके उसकी बेल हुई। आपने अपनी बात कह दी और लगभग यही बात आप रोज कह रही हैं, तो हमारे दर्शक इसको अब तक रट चुके होंगे। बात तो हाईकोर्ट के बात पर है, हाईकोर्ट ने उसी में पैरा 88 में आपको समझाया है, बाकायदा उन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि विटनेस और अप्रूवर के बीच का फर्क क्या है। विटनेस यानी कोई गवाह जिसका पीएमएलए में ईडी वाले उसका बयान दर्ज कर सकते हैं, लेकिन 164 सीआरपीसी के तहत जब अप्रूवर अपना बयान देता है तो मजिस्ट्रेट पूछते हैं क्यों बयान दे रहे हो, मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ होता है, आप तो खुद एक वकील हैं, आप भी फर्क जानती हैं। ये मेरिट्स ऑफ द केस को ही हाईलाइट करता है। तीन चार बातें हैं इसमें, कोर्ट ने यह भी कहा है कि न सिर्फ अप्रूवर्स का बयान है बल्कि कोरोबोरेटिव हवाला ऑपरेटर्स, 90 लाख रुपया आपका गोवा का कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे पैसे मिले, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि संलिप्तता है न सिर्फ मुख्यमंत्री की घोटाले में बल्कि पैसे को बाद में छिपाने में भी। अब इस पर तो आइए, छोड़िए बीजेपी क्या मांग रही है,
बीजेपी पर आप 100 सवाल खड़े कीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सिपाही निकला था, जब कोर्ट ऐसा कह रहा है कि अप्रूवर्स की बात को माना जाता है क्योंकि मजिस्ट्रेट वो कोर्ट का ही एक्सटेंशन है, उनके सामने बयान है तो वो एक्सेप्टेबल होता है कोर्ट में, ये सीरियस नहीं है? अंजना जी देखिए, विटनेस और अप्रूवर के फर्क को हम भली भांति जानते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के मामले में भी जो भी फाइंडिंग्स की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी, पलट दिया बिल्कुल, और उनको संजय सिंह जी को रेगुलर बेल मिली पीएमएलए में, जो इज नो लेस देन एन एक्विटल। जो भी लीगल एक्सपर्ट होगा आप उससे मेरी बात वेरीफाई करा लीजिएगा। अब क्या है कि ये हम लोग रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं उस ऑर्डर से, और हम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, आपको ये बात भली भांति पता है। अब इसमें आपको एक बात और बता दूं, कानून के दायरे में क्या होता है कि जब भाजपा के पास एजेंसीज है सारी, 2 साल से जांचें चल रही हैं, जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये सरकारी गवाहों के बयान पे आधार पर चल रहे हैं, और आप जो कोरोबरेटिव एविडेंस कह रहे हैं वो एक और बयानबाजी नहीं हो सकती, वो कुछ रिकवरी होनी चाहिए कि कुछ मिला उस बयान के आधार पर, वो तो आज तक नहीं मिला। इतनी फेल्ड भाजपा और इतनी फेल्ड उनकी एजेंसी कि सब कुछ होने के बाद पैसा मिलने ना मिलने पर मैं सुधांशु जी से सवाल करूंगी। उससे पहले आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, आपके पास पूरी तस्वीर है, 2011 मेमोरी से बिल्कुल डिलीट हो चुका है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक से एक बयान है। मनीष के खिलाफ कुछ आएगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, और मनीष मैं तुम्हारा सगा नहीं हूं अरविंद केजरीवाल, मेरे खिलाफ कुछ आएगा तो तुम मुझे हटा देना। इसके साथ साथ एक से एक बयान, लेकिन वो सब मेमोरी से डिलीट हो चुका है, वो कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, इसके दो पहलू। पहला पहलू तो यह कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता ने क्या 2011 में सारी बातें कही थी? बिल्कुल कही थी। क्या उन बातों पर अमल होना चाहिए? बिल्कुल अमल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह अमल की जो प्रक्रिया है वो सामान्य स्थिति में हो सकती है, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम सरकारी एजेंसियों पर तमाम विपक्षी नेताओं को जबरदस्ती विक्टिमाइज करने के आरोप लग रहे हो, 100 में से 95% केसेस उनके खिलाफ हो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ये जो केस है, क्या ये विक्टिमाइजेशन का केस है, सामान्य केस है या नहीं केस? तो इन दोनों पहलुओं में फर्क करना पड़ेगा, और ये तो ये बड़ा नुआंस था। एक सेकंड आशुतोष जी, ये कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा ना, ना जज साहब आशुतोष जी है, ना जज साहब मैं हूं। कोर्ट जो कह रहा है उस पर बहस है, कोर्ट ने कल ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस दिन भी फिर बैठेंगे। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो प्रिविलेज देना है ना किसी को, ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना प्रिविलेज नहीं देना है? नहीं, बिल्कुल प्रिविलेज नहीं देना है, क्योंकि कोर्ट का जो हिंदुस्तान का ज्यूरिसप्रूडेंस है वो जब तक कन्विक्ट आदमी नहीं हो जाता तब तक देयर इज अ थियोरी ऑफ इनोसेंस, द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, नॉट द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। अनफॉर्चुनेटली पीएमएलए कानून में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को प्रमुखता दी गई है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को जो है वो प्राथमिकता नहीं दी गई। मैंने कहा यह नुआंस्ड आंसर है। अब इसका जो बहुत ही जिसे कहते हैं क्रूड आंसर कह लीजिए या जो सब्सटेंशियल आंसर कह दीजिए, वो ये है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है और वो ये कह रहे हैं कि क्या हम जेल से सरकार चलाएंगे। मेरा अपना मानना यह कि जेल से सरकार चलाने की जो दलील है संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पर, टेक्निकल तौर पर सही हो सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो क्या उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ है। लेकिन मेरा एक प्रश्न और भी है, और वो प्रश्न ये है कि 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए थे, उसके बाद से तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और केंद्र की सरकार क्यों बैठे बैठे ये मखौल जो संविधान का उड़ रहा है उसको उड़ाने दे रही है? क्या उनकी कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्शन कब लेंगे एक्शन? क्या एक भी दिन संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होते हुए देखना चाहिए? मेरा प्रश्न है कि संविधान बीजेपी से भी बड़ी है, आम आदमी पार्टी से भी बड़ी है, नरेंद्र मोदी से भी बड़ी है, और वो अरविंद केजरीवाल से बड़ी है। अगर संविधान और उसकी आत्मा का कहीं भी मखौल उड़ रहा है तो ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि उसकी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करे। क्यों नहीं वो सरकार बर्खास्त करते और या फिर असेंबली को मैसेज देते? और मैंने सुधांशु जी को सुना था, संविधान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है
जिसके आधार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन का ऐसे समय में, जबकि मुख्यमंत्री की एडवाइस उनको उपलब्ध नहीं है, वो उसको नहीं यूज कर सकते। जो 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 एड एंड एडवाइस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तब होता है जब स्थिति सामान्य होती। असामान्य स्थितियों में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको आप चाहते हैं एलजी साहब बर्खास्त करें? आशुतोष जी सीधा बोलिए ना एक लाइन में, आप चाहते हैं एलजी जी बर्खास्त कर दें? लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर बैठे बैठे देख रहे हैं और दिल्ली की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो वो संविधान का मखौल उड़ते हुए देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि संविधान का मखौल उड़े और आम आदमी पार्टी डिस्क्रेडिटेड हो। सुधांशु जी 25 मई का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग ऐसा कुछ करने से पहले? 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। सुनिए आशुतोष जी जैसे बुद्धिजीवी द्वारा बुद्ध विलास का बौद्धिक प्रपंच करते हुए अपनी बात का मखौल कैसे उड़ाया जाता है देखिए। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य के पहले स्टेटमेंट में क्या बोला, टेक्निकली संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, पर मॉरली यह प्रश्न बनता है। और अंत में क्या बोल रहे हैं, संविधान का मखौल उड़ रहा मेरे भाई। पहला वाक्य सही है, आखिरी वाक्य सही है? अगर आप कह रहे हैं संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सवाल नैतिक है, तो आज नैतिक सवाल किससे है? आम आदमी पार्टी से, एलजी से? या तो आप अपने पहले वाक्य को गलत मानिए या आखिरी वाक्य को गलत मानिए। मगर चूंकि आइडियोलॉजिकल कवर देना है, इसीलिए मैंने कहा बुद्धिजीवी लोग कई बार बुद्ध विलास करते हुए बौद्धिक प्रपंच में फंस जाते हैं, वह चीज इन्होंने साफ दिखाई पड़ी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, नैतिक की बात। अंजना जी याद करिए, मेमोरी से डिलीट होने के बाद आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने जेल जाते समय यह ना कहा हो कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 97 में लालू यादव ने नहीं बोला यही कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 96 में जयललिता ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 2000 में करुणानिधि ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या मुलायम सिंह मायावती ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? और याद दिलाना चाहता हूं, शिबू सोरेन जो 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो जाने के बाद उनका क्या बयान था, अरे मैं सीधा साधा ट्राइबल आदमी, 1 करोड़ रुपए के लिए हमारे पीछे पड़ गए दिल्ली में, बड़का बड़का आदमी 100-100 करोड़ अंदर कर लेता, उसके पीछे नहीं करते तो ट्राइबल के स्वाभिमान की बात है। तो कहने की बात है कि केजरीवाल जी ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए, ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए जिनके बारे में बड़ी बड़ी डेढ़ गज की जबान निकाल के बोलते थे। और अब मैं अंदर की बात कहता हूं, अभी पंजाब में इनके एक मंत्री थे जिनके बारे में बड़ा छाती ठोक ठोक के आम आदमी पार्टी वालों ने कहा था, सरकार बनी एक हफ्ते के अंदर उनके विरुद्ध जानकारी लगी कि वो भ्रष्ट है, गिरफ्तार उनको बर्खास्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से कोर्ट का जजमेंट कराया था उस मंत्री को, क्यों नहीं मौका दिया आपने अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का और बर्खास्त कर दिया? चलिए इस मामले में जिसमें आप कहते हैं षड्यंत्र है, तो तथाकथित षड्यंत्र के अंतर्गत ही मनीष सिसोदिया को क्यों रिजाइन करवा दिया भाई, सत्येन जैन को क्यों रिजाइन करवा दिया? आज मैं पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया के लिए एक नियम और केजरीवाल के लिए दूसरा नियम। आपके दिल्ली के कई मंत्री तोमर जी वगैरह जो जो थे फर्जी डिग्री केस में, कौन से कोर्ट का जजमेंट के आधार पर आपने हटाया? तो अपने मंत्रियों विधायकों के लिए एक नियम, उप मुख्यमंत्री के लिए एक नियम, और एक मेव अद्वितीय आभा से ईमानदारी की प्रतिमूर्त बन के जिनका आविर्भाव हुआ है, और अनेक बौद्धिक लोग जिनका संरक्षण करने के लिए खड़े हैं, उन केजरीवाल जी के लिए दूसरा नियम। इसीलिए हम लोगों ने कल कहा कि ये अन्ना हजारे की जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति थी, वो केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गई। ठीक है प्रियंका जी, मैं इसके बाद आऊंगी। आशुतोष जी बहुत देर से इसका जवाब एक देना चाह रहे हैं। आशुतोष जी वो कह रहे हैं अभी भी आप अरविंद केजरीवाल के लिए इंटेलेक्चुअल कवर फायरिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही कहते हैं कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप उनको हटा सकते हैं या इस्तीफा देना जरूरी है, फिर कहते हैं संविधान को बचाने के लिए एलजी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा दे ये आपके मुंह से नहीं निकलता। मैंने तो कहा केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, कितनी बार कहूं आपके चैनल पे, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैं यही कह रहा हूं, केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, जेल से सरकार चला रही है, संविधान का खुला मखौल उड़ रहा है। देखिए अभी जो सुधांशु जी कह रहे थे, सुधांशु जी बौद्धिक कुतर्क नहीं कर रहे थे, सुधांशु जी बौद्धिक कुकर्म कर रहे थे। हकीकत क्या है, इस देश के अंदर जब संविधान बना तो क्या संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा था कि एक दिन मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा और फिर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे? तो बहुत संविधान में बहुत सारी चीजें परंपरा से चलती है, मूल्यों से चलती है, उसकी आत्मा से चलती है। अगर सुधांशु जी जैसे पढ़े लिखे अगर प्रवक्ता को नहीं पता है, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पढ़ने लिखने की परंपरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुधांशु जी कम से कम पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरीके जानता है, संविधान के जानकार है। दो चीजें हैं, पहली बात यह है कि क्या ये आज की तारीख में इट्स नॉट द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है और इससे ज्यादा क्या हो सकती है,
कि एक मुख्यमंत्री जेल से चलाने की बात करता है और वो असंभव वो चला ही नहीं सकता, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी हुई क्यों देख रही है? क्योंकि वो भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कर रही है, वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में स्थापित हो जाए कि वो जेल से सरकार चला के कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। उनको संविधान की चिंता नहीं है। और दूसरा प्रश्न यह है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया कि भाई वो आम आदमी पार्टी ने पैसे चुनाव के लिए खर्च किए, अभी तक एक बार भी आरोप ये नहीं लगा केजरीवाल ने अपने लिए पैसे लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे के हिसाब से क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब को गिरफ्तार करके ईडी उनसे पूछताछ करे कि जो पांच दिन बाद, गिरफ्तारी के पांच दिन बाद जो 5 करोड़ रुपए उनके खाते में गए और उसके बाद 60 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई और उसके बाद आपको जो क्लीन चिट मिलाने की, आपको जो अप्रूवर बनाया गया या जेल से छूटे, उसके बीच में कोई तारतम्य है? तारतम्य नहीं, ये कैसे स्थापित होगा? ये तो तभी स्थापित होगा ना। सुधांशु जी एक जवाब दे दें, इसके बाद प्रियंका जी के पास जाऊंगे। ठीक है सुधांशु जी, वो सीधा कुकर्म कह रहे हैं आपकी बात। देखिए मैं दर्शकों से कहूंगा कौन बौद्धिक कुतर्क कर रहा, कौन बौद्धिक कुकर्म कर रहा है। डिजिटल जमाना है, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं इसी डिबेट को रिमाइंड करके देखिए आखिरी वाक्य क्या बोला, जेल से सरकार चलाई ही नहीं जा सकती तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। और पिछले वक्तव्य का पहला सेंटेंस क्या बोला था, संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चला सकती। मान्यवर आपके दो वाक्य कोट कर रहा हूं विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ, बौद्धिक कुतर्क कौन कर रहा है सबके समझ में आ रहा है, बौद्धिक कुकर्म कौन। आपके दो वाक्य डायमेट्रिकली अपोजिट है। पहला वाक्य ये कि कोई रोक नहीं है, दूसरे में कह रहे हैं चल ही नहीं सकती संविधान के अनुसार। मेरे भाई साफ कर दो, यही समस्या है। आप भी केजरीवाल फैक्टर के प्रभाव में आ गए, जैसे केजरीवाल तब कुछ कहते थे अंदर से कुछ और नजर आते थे, इस कारण यह समस्या आ जाती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं यह बात बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कोई मुख्यमंत्री जेल में जाएगा, तो आज सही बात है। यह विषय मर्यादा और मूल्यों का है, तो मूल्यों की अपेक्षा पहले किससे है? पहले कहिए कि वो मूल्य विहीन हो गए हैं, निर्लज्ज हो गए हैं और उन्हें पूरी कठोरता निर्ममता के साथ हटा देना चाहिए। एक बार ये वाक्य बोलिए तब उसके बाद हम बात करें, मगर मूल्यों की बात करेंगे हमारे लिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मानवर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने कहा, इसके लिए दिया गया कोर्ट ने बहुत साफ कहा है अपने पॉइंट में कि किसको। अब सुनिए सर, अब बोलने की जरूरत नहीं सर, वो कोई रिवाइंड करके देख सकता है, बहुत ज्यादा सर उसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। और मैं कह दूं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो हाईकोर्ट बोल चुका है ना, किसने किसको बॉन्ड दिया उसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। और उसने साफ कहा पॉलिटिकल चीजों का लीगल चीज से कोई मतलब नहीं है और आप पॉलिटिकल एंगल इसमें लाने की कोशिश मत करिए, ये साफ साफ हाईकोर्ट ने कह दिया। उसके बाद भी लाने का प्रयास करना परोक्ष रूप से न्यायालय की अवमानना करना। आशुतोष जी देखिए, आप दोनों का फुटबॉल का मैच रह जाएगा, मैं प्रियंका के पास जा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है छोटा सा आप एक लाइन बस बोल दीजिए ना आशुतोष जी, कि ये परम संविधान संवत होगा कि एलजी साहब केजरीवाल जी की सरकार को फौरन बर्खास्त कर दे, तब तो नहीं आके बोलिएगा कि साजिशन कर दिया इस एलजी ने। बिल्कुल करना चाहिए उनकी सरकार को बर्खास्त, में तो पहले दिन से कह रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो आला ऑफिसर है उनकी नींद कब जगेगी? एक आदमी गिरफ्तार होता है, 5 दिन के अंदर बॉन्ड खरीदता है 5 करोड़ का और वो बॉन्ड बीजेपी इनकैश करती है, उसके बाद कुछ तो प्रियंका जी को भी बोलने दीजिए। अरे कुछ तो ये सब प्रियंका जी का है। देखिए मैं जो सवाल खड़े कर रहा हूँ, जब आज क्या आज तक एक बार भी ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे अपने लिए? अंजना जी वो पुरानी मोहब्बत उफान मार रही है, तो पैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे बीजेपी के पास है। अगर बिल्कुल आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिस हो रही है, अगर बीजेपी के पास गए हैं तो जो नियम अरविंद केजरीवाल के लागू होता है वही नियम नड्डा साहब के लिए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? क्यों नहीं उनको उनसे पूछताछ होनी चाहिए? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं पीएमएलए के तहत उनकी कस्टडी होनी चाहिए? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये गलत सवाल है? सीधे आपके अध्यक्ष जी पे सवाल पूछ रहे हैं भाई, दो लाइन का जवाब दीजिए। नड्डा जी की गिरफ्तारी मांग रहे हैं, बस मांग नहीं रहा हूं मैं, कह रहा हूं दोनों की समानता ये है। हाँ, ईडी को करना चाहिए। अरे भाई कम मांग रहे हैं आशुतोष जी, सुनिए, नीतिगत निर्णय पे सीधे लाभार्थी के द्वारा पैसा मांगे जाना भ्रष्टाचार होता है, आपको क्या इतना भी नहीं ध्यान है आशुतोष जी? मतलब सीधे पॉलिसी बनाने वाला पॉलिसी को मॉडिफाई कर रहा है विदाउट कैबिनेट अप्रूवल और उसके बाद पैसा मांग रहा है, वो भी कैश में, इलीगल। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में इलीगल क्या है बताइए? आप बता के जाइए इलीगल क्या था? सिर्फ ये तो था कि वो छुपा रहना चाहिए, बस वो चीज ओपन हो गई। इलीगल क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड में? प्रियंका जी एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्योंकि घूम फिर कर मामला, अगर एक सवाल सुन लीजिए, अगर इलीगल इस अरेस्ट को ईडी के नहीं माना हाईकोर्ट ने तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। के कविता
जो कि बीआरएस की नेता है, उनके सीए के मोबाइल से रिट्रीव हुआ है उस शराब पॉलिसी का पॉइंटर्स और पेजेस, जो कि लागू ही नहीं हुई थी तब तक शराब नीति, सीधा लिंक दिखता है। ऐसी बातों का क्या जवाब है? अंजना जी, पहले ये दो इंटेलेक्चुअल्स जो बात कर रहे थे, और बार बार जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स खामोश क्यों हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बाधा नहीं है। भाजपा ही 3 या 4 बार कोर्ट गए, आज तो इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगा है। इनकी डिमांड यही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। सुधांशु जी ने आपको यह भी गलत बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन पुराना लिखा गया था इसलिए उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंड हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में साफ लिखा है कि सिर्फ कन्विक्शन के ऊपर ही आप उसके बाद आप डिस्क्वालिफाइड होते हैं। सर सुनिए ना, जैसे कन्विक्शन के ऊपर डिस्क्वालिफाइड होते हैं, पर भाजपा क्या करती है, जो इनके कन्विक्टेड प्रत्याशी हैं, जैसे ओडिशा में है दिलीप रे, उनके अगेंस्ट भी इनको स्टे मिल गया है। तो ये सारी चीजें अंडर प्रोसेस है, चल रही है। हम लोग डिसएग्री करते हैं हाईकोर्ट के फैसले से, हम आपको बता ही चुके हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने जो पीएमएलए कानून में संशोधन किए, अंजना जी पीएमएलए कानून किस पे लग सकता है? या तो आप टेररिज्म से पैसा कमाते हैं या ड्रग से पैसा कमाते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी इनको टेररिस्ट रखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को नहीं लगते, इसलिए वो हमारा साथ दे रहे हैं? आपका जो सामने व्यूअर है उसको भी पता है कि ना ही अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने लगातार दिल्ली की जनता का लाइफस्टाइल इंप्रूव किया है। यहाँ पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, यहाँ पे मुफ्त बिजली है, यहाँ पे फ्री पानी है, यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं और एक सरप्लस का बजट है। दूसरी चीज, इन्होंने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए और उसके बाद ये चाह रहे हैं कि उन संशोधनों में ये हमें बयानबाजी पे फंसाएं और अंदर कर दें। जिसको साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन कहती थी भाजपा शरद रेड्डी को, वो तो साफ ट्रेल दिख रहा है। सुधांशु जी को व्हाट्सएप चैट्स दिख रही है जो सूत बता रहे हैं, पर इनको साफ ट्रेल नहीं दिख रही जो 60 करोड़ भाजपा के अकाउंट में आए शरद रेड्डी के अरेस्ट होने के बाद। ये कैसे नैतिकता की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2 साल के बाद भी बस व्हाट्सएप चैट दिखा रही है? आप कह रहे हैं व्हाट्सएप के चैट माने हम, ये प्रूफ है आपके पास 2 साल के बाद? दो सवाल। शरद रेड्डी के अरेस्ट के बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया पैसा, मनगुंटा रेड्डी जिसको ईडी कह रही है कि वो किंग पिन है साउथ में लिकर लॉबी का, उसको बीजेपी से टिकट, दोनों पर आपका जवाब क्यों कैसे? मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, टेक्निकल पॉइंट और पॉलिटिकल दोनों पे जवाब देता हूं। चलिए, जो प्रियंका जी ने कहा उनकी नजर में हमारे दोहरे मानदंड है आपके हिसाब से, और आप अपने मानदंड के हिसाब से हमें गलत मानते हैं, आपको यह मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैं तो आपके अपने मानदंड पूछ रहा हूं भाई। पंजाब के मंत्री को क्यों बर्खास्त किया बगैर कोर्ट के निर्णय के? मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया बगैर कोर्ट के कन्विक्शन हुए? सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया बगैर कोर्ट के कन्विक्शन? में तो आम आदमी पार्टी के अंदर के दो मानदंड, मतलब आम आदमी पार्टी पंजाब अलग और दिल्ली अलग, गाड़ी मोड़ दी आपने दूसरी तरफ। दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री के लिए नियम अलग और मुख्यमंत्री के लिए अलग, अपने का तो जवाब दे दे। चलिए, मेरे बारे में जो है आप गाड़ी मोड़ दी आपने, अपने का तो जवाब दीजिए। ये दोहरा मानदंड क्यों है सिर्फ केजरीवाल के? नहीं, गाड़ी क्या मोड़ दी, मैं तो सात सवाल के, जब नैतिक सवाल हो रहा है। चलो, आपने हमारे ऊपर जो कहा और इस समय हम उसका जवाब न देकर आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने अंदर का नैतिक जवाब दीजिए। और ये यही मुख्य, यही एक मिनट, व्यापम स्कैम वाला दोहरा मानदंड, सारे स्कैमस्टर्स आपने ले लिए, हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, कानूनों में संशोधन आप कर दें, लिकर लॉबी के किंगपिन से आप 60 करोड़ लें, लिकर लॉबी के किंगपिन को आप टिकट दे दें, और आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है सर? कोई सबूत तो होगा, व्हाट्सएप चैट बता रहे हैं आप 2 साल बाद। अरे सुनिए, ये सारी बात आपकी मान ली, इसलिए 0.4% के मिक्सर। अरे सुनिए, ये आपकी प्रियंका जी, तो आप बंद कीजिए ये। एक मिनट, जवाब दे ले फिर बोलिएगा। प्रियंका जी सुनिए, ये सारी बात सही है तो मनीष सिसोदिया पर लागू क्यों नहीं है? ये सिर्फ केजरीवाल पर लागू क्यों है? बोलिए, मनीष सिसोदिया को कहा नहीं आपने इस बात के लिए? फिर डाउट किया, पोर्टफोलियो था। मैं आपको जवाब देती रहूं, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप सत्ता पक्ष हैं, आप अहंकारी हैं। इन्हीं मुद्दों पे वाह सर, मैं जवाब दे दूंगी उनके पास पोर्टफोलियो। आप मुझे जवाब दीजिए, 60 करोड़ जो आपने साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन से लिए, अरे भाई आपके ये सारे जवाब मनीष सिसोदिया के लिए अलग और केजरीवाल के लिए अलग क्यों है बता दीजिए? दोनों के लिए एक होना चाहिए था ना सर? तब तक तो सामने नहीं आया था कि जिसको आप घोटाले में उससे आप पैसा खा रहे हैं, ये बात तो बाद में सामने आई ना सर?
एक बात तो अच्छा अच्छा मतलब इनको लग रहा था तब तक तो सही है, अब पैसा साउथ लीकर लॉबी के किंगपिन से। ठीक है जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, फिर मैं लौट रही हूं। सर एक सेकंड, आपने ये भी कहा, एक पॉइंट और लीजिए, मेरा ऑडियो भी खराब हो गया था, एक बात और ले लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सर, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सर उरिजीत पटेल ने आपको कहा था 2017 में ये लागू ना कीजिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बनेगा, आपने उरिजीत पटेल को ही हटा दिया। कोर्ट ने कहा है, पर्याप्त सबूत है, और व्हाट्सएप चैट नहीं है, 43 सिम कार्ड गायब है सर, कोर्ट ने ऐसा, 2 दर्जन से अधिक फोन गायब है, और केजरीवाल जी को पासवर्ड नहीं याद आ रहा है। ऐसी बचकानी बात नहीं है, जब पॉलिसी बनी है उसके बाद जो लाभार्थी था उसके पास पॉलिसी गई है, मेल से गई है और व्हाट्सएप से गई है, उसने जो सजेशंस कहे वो मेल और व्हाट्सएप से वापस आए, और वो सजेशन बगैर कैबिनेट अप्रूवल के अप्रूव हुए, इतने पुख्ता सबूतों के बाद कोर्ट बोल रहा है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा है जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, आप पूरी बात जवाब दे लूं, इलेक्टोरल बॉन्ड 2/3 तो मिले हैं भाजपा को, जिसकी 17 राज्यों में सरकार है और 2 बार से स्पष्ट बहुमत की दिल्ली में केंद्र में सरकार है, और 1461 करोड़ जो कांग्रेस को मिले हैं वो तो टीका चंदन लगा के पूजा अर्चना करने के मिले हैं, 1600 करोड़ रुपए का टीएमसी को मिला जिसकी 1 राज्य में सरकार है वो टीका चंदन लगा के मिले हैं, 900-950 करोड़ का डीएमके को मिला है वो तो मतलब 2/3 जो विपक्ष की पार्टियों को मिले हैं, अगर अनुपात में देखें तो 3/4 हमें मिला होना चाहिए। गजब है साहब, हमको मिला है तो मनी लॉन्ड्रिंग है, और आपको मिला है तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी पूजन है, गजब का तर्क देते हैं भाई। और जिसको आप, एक सेकंड प्रियंका जी, आप इस पर बोलिएगा, लेकिन उस सवाल को, एक सेकंड, उस सवाल का जवाब नहीं मिला। आप खुद भी एक वकील हैं, तो आपको पता है कि व्हाट्सएप चैट इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट्सएप चैट मिला उसको मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता है। के कविता के सीए के मोबाइल पर लिकर पॉलिसी लागू होने के, एक सेकंड मैडम, एक सवाल तो पूरा होने दीजिए, लिकर पॉलिसी के पॉइंटर्स कैसे मिले? ये अपने आप में एडमिसिबल नहीं है कि उसकी वजह से किसी को सजा हो जाए, लेकिन कोर्ट में तो एडमिसिबल है ना, कोर्ट में तो एडमिसिबल है अगर इस तरह का व्हाट्सएप चैट होता है। मैं अंजना जी मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से आपको कहती हूँ, रिमांड के टाइम पर ईडी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो सिर्फ शरद रेड्डी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी की हिरासत ले रहे हैं, उनके पास और कोई तथ्य नहीं था, बाकी जो मीडिया में तथ्य चल रहे हैं वो ईडी ने आगे नहीं रखे, बाकी सब सूत्रों वाली खबरें हैं। मैं यहाँ वहां से सूत्रों वाली बात नहीं कर रही हूँ, एक सेकेंड, उस पर तो बार बार कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड हमने लिया, बैंक के जरिए लिया, ये उनका जवाब है और वही चलता रहेगा रिकॉर्ड पे, लेकिन के कविता वाला मामला सीरियस है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को कहा है कि के कविता के सीए से, जो कि बुच्ची बाबू है, उसके फोन से हुआ है ये व्हाट्सएप चैट रिट्रीव, जिसमें लिकर पॉलिसी लागू होने से पहले उसके मोबाइल पे थी, और ये कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के कविता से इस पर पूछताछ करे, ये सीरियस है, ये कोर्ट तक मामला गया हुआ है। मैं हवा हवाई सूत्रों वाली खबर पे नहीं सवाल कर रही हूँ आपसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सीबीआई और ईडी ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, जी हुआ, पर ये कुछ प्रमाण नहीं ला पा रहे, और व्हाट्सएप चैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, फोरेंसिक के बिना उसकी वैल्यू नहीं, ये क्या कर रहे हैं, बहुत लंबे लीगल प्रोसेस में फंसा रहे हैं, आप चर्चा ही करते रहे, बताइए 2 साल से हम लिकर स्कैम, सो कॉल्ड लिकर स्कैम की चर्चा ही करे जा रहे हैं, अब तक तो कन्विक्ट कर देना चाहिए था किसी ने कुछ किया तो। ठीक है आशुतोष जी, आपको ये दलील ठीक सही लग रही है, ये कानून बना है आतंकियों के लिए, इसलिए नहीं लगना चाहिए नेताओं पर। ओरिजिनली तो हवाला का ट्रांजेक्शन का पैसा है ना ये भाई, पीएमएलए का मतलब क्या, हवाला ट्रांजेक्शन हाँ। मतलब विदेश से पैसा आया, वो पैसा किस लिए आया, वो आतंकवाद के लिए आया, ड्रग मनी के लिए आया, किस लिए आया वो पैसा, तो ये पीएमएलए कानून में ये भी है कि प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए, यानी पीएमएलए उसी केस को ले सकती है जिसमें सीबीआई ने या पुलिस ने कोई ऑफेंस पहले से रजिस्टर कर रखा हो, और उसमें ऐसी जरूरत पड़े कि भाई कुछ गड़बड़ है, इसकी ज्यादा से ज्यादा जांच एक जो है वो दूसरी एजेंसी कर ले। तो जो कानून उस लिए बना था, और ये कानून मैं मानता हूं कि कानून जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त ये कानून आया था, लेकिन उसका दायरा बिल्कुल अलग था। अब इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस खानविलकर की बेंच थी, उन्होंने जिस तरीके से इस कानून को कवच पहना दिया है, वो एक ऐसा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के अपने इतिहास में काले पन्ने की तरीके से जाएगा। 30-30 सेकंड का जवाब देना होगा, प्रियंका जी आपके पास आ रही हूं। देखिए सवाल क्या है आज, सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे, ये किस तरह कब तक ऐसे चलता रहेगा, और अरविंद फार्मर ने तो बीआरएस को भी दिया हुआ है पैसा इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो उनको क्या मोहब्बत में दे दिया, ये वाला तो आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से आता ही है।
अंजना जी, साउथ लिकर लॉबी का किंग पिन भाजपा बुलाती थी शरद रेड्डी को और बिंदु फार्म को, और उसके अरेस्ट के 5 दिन बाद भाजपा को पैसे मिलने लगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हाईकोर्ट ने संजय सिंह जी के मामले में भी सेम टिप्पणी की थी जो अभी सुधांशु जी ने बोली, जिसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरी चीज, ये डरते हैं अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी से, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से। आशुतोष जी, सिर्फ 30 सेकंड, आप कह रहे हैं डटे हुए हैं कि इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? निश्चित तौर पर देना चाहिए, निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अगर ये सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तो न केवल सरकार बर्खास्त होगी बल्कि प्री 1993 पोजीशन भी रेस्टोर हो सकती है। माइंड माई वर्ड्स। सिर्फ दो लाइन। देखिए, प्रियंका जी ने गलत बोला, संजय सिंह के बारे में कोई कोर्ट ने पलटा नहीं, ईडी ने कहा कि हमने जितनी पूछताछ करनी थी कर दी, हमें कस्टडी चाहिए ही नहीं, इसलिए उनको बेल मिल गई। और दूसरा, इन्होंने कहा फायदा तो रेड्डी को ये पहुंचाएंगे, पैसा हमको दे रहा। मतलब बचपन में हम लोग कहते थे ना, बचपन में हम लोग कहते थे कि एक बच्चा पूछता है कि सजा की राम स्वरूप ने और फल स्वरूप को सजा मिली, तो कहते उसने राम स्वरूप ने काम किया तो फल स्वरूप को फल क्यों मिला, ये उस ढंग का कुतर्क देने का प्रयास। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।